हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। एक्चुअली आज टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं। मैं शॉर्ट में पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ। एक तो डूब क्षेत्र को लेकर, गौर सिद्धार्थम के दो मैटर हैं, एक सिद्धार्थ विहार जो खराब सड़कें थी उसके रिगार्डिंग जो इशू हुए हैं और जो जवाब आए हैं गवर्नमेंट के, गौर सिद्धार्थम की जो SIT बनी है मैटर पे सिद्धार्थ विहार में, उसके अलावा जो लाल कुआं से छपरौला का स्ट्रेच है वहाँ जो हाईवे का हाल है ख़राब उसके रिगार्डिंग। तो इस तरह के चार पांच मामले हैं जो मैंने काफ़ी लेटर्स वगैरह करे थे और उस पर रिप्लाई आ गया है सबका। तो अब मैंने सोचा एक ही बार में सारी सिचुएशन आपको बता दूं, कहां पर क्या प्रॉब्लम है और कहां पे क्या ठीक है क्या नहीं है। तो अगर बात करें सबसे पहले वो डूब क्षेत्र की, डूब क्षेत्र के मामले में तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी, अभी आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और आपको फ्लैश भी हो रहा होगा। मैंने बहुत पहले मना कर दिया था कि उधर डूब क्षेत्र कोई भी हो, चाहे चार मूर्ति की तरफ का हो या हिंडन की तरफ का, कोई भी हो मत लेना। और इस बात को 6 महीने हुए हैं, सिर्फ 6 महीने, और ये मानसून आया है और चांस की बात है कि इस बार हिंडन में पानी आ गया। दिल्ली में जो आया आया, हिंडन में भी पानी आ गया और ये न्यूज़ में आप सुन भी रहे होंगे, खादर इलाकों को खाली करने के भी आदेश हो गए हैं। इवन की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट क्या मतलब, आई मीन टू से प्रशासन अपनी तरफ से क्लियर कर रहा है कि ठीक है इतना बड़ा रिस्क नहीं लग रहा, लेकिन पानी चढ़ रहा है। अभी कल की मैं न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने भी डिजास्टर मैनेजमेंट से इसके रिगार्डिंग थोड़ी हेल्प मांगी हुई है। और इवन की मैं खुद भी देख रहा था, मैं आज अपने फ्लैट पर था मॉर्निंग में गौर सिद्धार्थम में, तो मैं हिंडन की तरफ देख रहा था, व्यू कर रहा था, तो मुझे वहां पानी दिखाई दे रहा था वहीं से जहां पहले होता नहीं है, उस तरफ पानी था। कुछ इलाकों में पिंड का पानी लेवल का इतना ऊंचा आया है तो 6,000 सी हो गया आपका और आगे होगा। अगर ये पानी का लेवल ऐसे ही बढ़ा या ऐसे ही दोबारा से फ्लो आया, बारिश बढ़ी, तो जाहिर है डूब क्षेत्र सबसे पहले निपटेंगे इसमें। तो अगर कोई कहता है मैं रजिस्ट्री और ये और वो, मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो उस वीडियो में हमेशा बोला था गलती से भी मत जाना, अगर अब ये भगवान ना करे अगर पानी बढ़ा तो वो सारे इलाके इसमें जाएंगे कन्फर्म्ड, और जो कहा था वही हो रहा है। ठीक है जी, तो बेहतर है आगे के लिए भी सीख ले लो। आप ये मत समझो 1 साल 2 साल कि बुलडोजर तो चलेगा नहीं, भाई साहब ये नेचुरल मामला है, प्रकृति का मामला है, इसमें बुलडोजर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, वो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा अपने। तो जब उन्होंने दिल्ली को नहीं छोड़ा, राजघाट पर तक पहुंच गया पानी, तो आप कहाँ यहाँ ग्रेटर नोएडा में और वहाँ डूब क्षेत्र में पैसा लगा रहे हो भाई, मत लगाओ, छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, दूसरी NH-91 लाल कुआं से छपरौला में हाईवे की हालत एकदम कचरा हो गई है, ये बात सही है। 6 लाइन काम कर रहे हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, काम चल रहा है अच्छे के लिए, लेकिन क्योंकि बारिश हुई है कुछ दिन और बैंड बज गई पूरे की, मतलब चलना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, ऐसा लग रहा था मंगल ग्रह पे टहल रहे हैं। फिर मैंने उसके लिए NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको भेजा है लेटर, और इवन कि उनका रिप्लाई आ गया है मुझे, मेरे Gmail ID पर आया था अभी कल या परसों ही आया था, बट मे बी उनके रिप्लाई में कुछ टेक्निकल एरर हो गया है सॉफ्टवेयर का, जिसकी वजह से वो जो रिप्लाई है वो #ABC इस तरह से लिख के आ गया है। तो मैंने उनको ट्विटर पे भी और वैसे भी रिप्लाई किया कि आप जब मेरी शिकायत का अपडेट करेंगे पोर्टल के ऊपर, जो CPGram से मैं करता हूँ, तो उसी पे आप या तो ठीक से रिप्लाई उस पर सारा लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें क्लियर नहीं है आपने क्या जवाब भेजा है, तो उस पर जल्दी ही मेरे पास जवाब आ जाएगा कि वो उस एरिए की मरम्मत कब करने वाले हैं, पूरा ठीक कब करने वाले हैं, क्या प्लान है उनका। सेम कंडीशन गौर सिद्धार्थम सिद्धार्थ विहार, यहाँ पर 2 सेक्शन में काम हुआ है एक्चुअली। जब वहाँ के गड्ढों की हालत बनी थी, आपने याद है मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, किसी कुछ ने ऑब्जेक्शन भी कर दिया था कि वो नाम खराब कर रहे हो, कुछ अच्छा चीज़ दिखाओ, भाई अच्छा चीज़ तो तभी दिखाऊंगा जब वो अच्छी हो जाए, तो इसीलिए वो बनाई थी। और अब उस पर लग रहा है कार्रवाई हो भी रही है, क्योंकि पहला लेटर जब आवास विकास परिषद पे गया था मेरा, तो आवास विकास परिषद ने मुझे बोला कि हम इस पर जो भी है बजट वगैरह पास करने के प्रोसेस में है और इस पर हम कहीं ना कहीं सड़कें इसकी जल्दी ही बना देंगे सारी। देखिए साथ ही मैंने इसके रिगार्डिंग एक लेटर और भेजा था जो UP पुलिस को भी गया था, और मेरी पर्सनली भी विजयनगर थाने में SO MM से भी मीटिंग हुई थी, इस पर मैंने उनको भी सिचुएशन बताई थी, क्योंकि रीज़न बिहाइंड था कि उससे कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली की न्यूज़ आई थी, आपने भी सुनी होगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक डेथ हो गई थी लेडी की, अपने बच्चों के साथ वो ट्रेन पे जाने वाली थी और सडनली ये करंट लग गया था जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न की वहाँ पानी जमा था और वायर वगैरह लूज थे। तो एक तरह का वहाँ की अगर हालत देखे तो वहाँ पे ये रिक्शा सिद्धार्थ विहार गोस्वामी गया पलट रहे थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे वहाँ पर। तो उनसे भी बात हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैम ऐसे ऐसे हादसा होने के काफ़ी चांसेस हैं, ऐसा ना हो कि नई दिल्ली वाला किस्सा यहाँ दोहरा दिया जाए,
तो इस पर देखिए, और वहां से भी एक लेटर जो था रिप्लाई में, वहां पर भी उन्होंने जो आवास विकास के जो सीनियर पर्सन हैं वहाँ डिस्कशन उनसे भी किया और उनको भी अवगत कराया सिचुएशन के बारे में। तो उनको भी उन्होंने बोला कि हम अभी गड्ढे भरवा रहे हैं टेम्परेरी, जैसे ही बारिश रुकती है और थोड़ा मौसम सेटल होता है तो हम इसको जल्दी करवा देंगे, सारी रोड सेटल करा देंगे और मुझे लग रहा है ये जल्दी अब ये काम हो जाएगा, तो ये रोड्स प्लेन हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसके साथ गौर सिद्धार्थम के मैटर पर SIT बनी हुई है अभी हाल ही में, जिसकी न्यूज़ भी आई है दोबारा से। उस SIT का सीन ये है कि केस तो आप जानते ही है चल रहा था, तो जो मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो मेरठ जोन ने इसको लखनऊ भेजा आगे लेटर को, मेरे पास दोनों लेटर आ गए हैं और लखनऊ से जो जवाब आया वो यही था लखनऊ के थ्रू कि भाई इसके ऊपर जो अदालत के आदेश थे या जो भी सुनवाई वगैरह चल रही थी उस पर इन्होंने, हमने जो मांग करी थी वो पैसा अभी तक इन्होंने जमा नहीं किया है। अब इसके ऊपर एक SIT जो बनाई गई है वो पूरी जांच चल रही है। आपके क्वेश्चन का, यानी जो मैंने इससे सवाल किया है, मेरा सवाल क्या था, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अगर ये जो SIT अपनी जांच में गौर सिद्धार्थम के लिए नेगेटिव आती है रिपोर्ट इस पर, तो जो रहने वाले लोग हैं उनको तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, वो तो कोई इसी तरह की मुश्किल में नहीं आ जाएंगे। तो उनका कहना है कि देखिए जांच अभी चल रही है, हम आपको इसका जवाब देंगे लेकिन एक बार ये जांच पूरी हो जाए उसके बाद। तो पता नहीं इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि मुझे जो फिलहाल एक ओवरव्यू लगता है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए अब कुछ, क्योंकि ठीक है आप जांच करिए क्योंकि कायदे से तो ये सब पहले कर लेना चाहिए था काम, लेकिन अब कर रहे हैं चलो करो, लेकिन अब आम आदमी को जो जिन्होंने बायर्स हैं एटलीस्ट उनको अब परेशान नहीं करना चाहिए। आपको जो फाइन लगाना है जो करना है, अगर ऐसा है मतलब फाइन लगना है तो भाई बिल्डर पे आप लगाओ, जो चार्ज है उनसे पे करवाओ, बात खत्म। आम पब्लिक को तो डिस्टर्ब अब नहीं करना चाहिए इन्हें। स्टिल मैं इस पर पूरा मॉनिटर कर रहा हूँ, इसको वॉच कर रहा हूँ, मामले को देख रहा हूँ कि देखता हूँ क्या आता है, तो जो आउटकम आएगा मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा जल्द से जल्द। जाहिर है मैं भी रहता हूँ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे मुद्दे तो अभी बहुत सारे हैं, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो ये वाली बनाता नहीं हूँ, जितने अभी पॉइंट हैं मैंने बता दी हुई कि इकट्ठे हो गए थे लेटर बहुत सारे, तो मैं चाह रहा था आप लोगों को सारे पता चल जाए। आपके कोई मैटर हो तो आप डाल देना, कोई इशू हो किसी एरिया को लेकर या कुछ, देखूंगा उस पर भी लेटर भेज सकूँ तो भेज दूंगा। बाकी वीडियोस तो मेरी अभी आएंगी, तो वीडियो की बात प्रॉपर्टी की बात प्रॉपर्टी में करेंगे, अभी ये बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी। चलिए थैंक यू।